अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ कलेजी फ्राई मसाला, ढाबा स्टाइल कलेजी। इसके लिए मैंने एक पाव कलेजी लिए और एक बड़ा वाला टमाटर मैंने पेस्ट बना लिया है उसका, और टमाटर बिल्कुल लाल सुरख पका हुआ लिया है मैंने, और एक टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन और नमक हसबे ज़रूरत, कुटी हुई मिर्च हाफ चम्मच, काली मिर्च हसबे ज़रूरत, और ज़ीरा गरम मसाला पिसा हुआ चाय का चम्मच एक, और पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून, और इसमें मैं ऐड किया है मैंने दही 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच, और हल्दी मैंने थोड़ी सी चाय का हाफ चम्मच मैंने हल्दी है ऐड की इसमें। ऑयल मैंने गरम रख लिया था, ये मैंने 3-4 चम्मच जितना ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल में ये मैं यूज़ नहीं किया। इसके अंदर मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है, इसको थोड़ी देर में भूनूंगी। इसमें मैं कसूरी मेथी थोड़ी सी डालूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा टमाटर भून के मैंने टमाटर ये मसाला जो मैंने निकाला हुआ था अदरक लहसुन का पेस्ट और सारा मसाला ऐड कर दूंगी। इसके बाद थोड़ी देर में मसाले और टमाटर को भूनूंगी। थोड़ी देर इस मसाले को भूनेंगे, जब ये मसाला भुन जाएगा तो मैं इसमें कलेजी ऐड करूंगी। कलेजी मैंने धो के साफ़ करके रख दी थी। कलेजी को बहुत अच्छे से धोना चाहिए जब तक इसमें ब्लेड ख़त्म ना हो जाए, जब तक इसका पानी कलेजी का सफ़ेद ना हो जाए तब तक धोते रहो अच्छे तरीके से। मैंने कलेजी धो के साफ़ करके रखी हुई है और इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी एक चाय के चम्मच जितना कढ़ाई मसाला, थोड़ा फ्लेवर अच्छा होगा इससे। ये कलेजी हम अक्सर स्टॉल पे या ढाबे पे या हमें मिलती है, बहुत मज़े की होती है। इस तरह घर में आ बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से, बहुत मज़े की बनती है और बिल्कुल नरम सॉफ्ट। ये मसाला भून के हम कलेजी डालेंगे। ये मैंने मटन की कलेजी यूज़ की है, आप चाहे तो इसमें बच्चिया की कलेजी भी डाल सकते हैं, बच्चिया की कलेजी से, चिकन की कलेजी से बना सकते हैं। हमारा मसाला भून गया है, मसाला तैयार है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी कलेजी। अब कलेजी को ज़्यादा देर नहीं बनाना, जब तक कलेजी थोड़ी देर भुने के जब चम्मच इसको मारे अगर कलेजी के 2 टुकड़े हो रहे हैं तो समझ ले गल गई है, क्योंकि मटन की कलेजी ज़्यादा पकाने से बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, और अगर हम सही तरीके से इसको बनाएं तो ये सॉफ्ट रहती है और ये बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट कलेजी तैयार होगी इंशाल्लाह। ये आप देखें, अब मैंने थोड़ी देर कलेजी को भुना है। हम इसको चेक करूँगी कलेजी, अगर ये बीच में से कट हो रही है तो समझे कलेजी तैयार है। ये हमारी कलेजी कट हो रही थी, ये देखें कलेजी फ्राई हमारी तैयार है माशाल्लाह से। देखें तवा कलेजी मसाला हमारा मज़ेदार, और झटपट में 5 मिनट में ये तैयार हो जाती है।